हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। सिंधु होम किचन में आप सबका स्वागत है। आज मैं लेकर आई हूँ होली स्पेशल मालपुआ की रेसिपी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करती हूँ। मालपुआ बनाने के लिए एक कटोरी ली हूँ मैदा, हाफ कटोरी चीनी और हाफ कटोरी सूजी छोटी वाली कटोरी से, क्योंकि मैं चाशनी वाले बनाऊँगी तो थोड़ी ही चीनी ली हूँ। आप चाहें तो बिना चाशनी के भी बना सकते हैं। मेजरमेंट बिल्कुल परफेक्ट रखिएगा, तभी जाके मालपुआ बिल्कुल फूली फूली मालपुआ बनेगी। एक बाउल ली हूँ और सभी चीज़ों को इसमें डाल दूँगी, मैदा सूजी चीनी, और इसे अच्छे से करूँगी मिक्स। इसे रूम टेम्परेचर पे दूध ली हूँ, एक गिलास 250 ग्राम दूध है। और बिल्कुल दूध को गर्म करके ठंडा कर लीजिए और इसे थोड़े थोड़े डाल के इसे मिक्स करना है। एक साथ दूध डाल देंगे तो बिल्कुल लम्स पड़ जाएगा, तो थोड़ा थोड़ा दूध डाल के इसे मिक्स करूँगी, बिल्कुल पतला सा बैटर तैयार कर लूँगी। और ये बैटर तैयार हो गया है तो इसे रख दूँगी 45 मिनट के लिए रेस्ट पे ढक के। तब तक एक केला ली थी इसमें, केला केला आप चाहे तो पसंद है तो आप डाल सकते हैं, नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं। मालपुआ में केला डालने से बहुत अच्छी टेस्ट आती है, इसकी स्वाद और भी दुगनी हो जाती है। तो केला को अच्छे से फोक से मैं मैक्स कर ली थी, आप मैसर से भी कर सकते हैं। और इसे फ्लेवर के लिए इसमें डाली हूँ 1/2 चम्मच इलायची पाउडर, और थोड़ा सा ड्राई फ्रूट ली थी, उसे बादाम और काजू को मैं बिल्कुल बारीक कट कर ली हूँ, और थोड़ा सा किशमिश। अब मालपुआ में सौंफ जरूर डालिएगा, इससे टेस्ट बहुत ज़्यादा दुगनी हो जाती है। और इसकी मालपुआ में सौंफ का टेस्ट बहुत अच्छा आता है, तो आप ज़रूर डालिएगा। टाइम है तो आप इसे 2 घंटा के लिए भिगो के बैटर को भी आप इसे घोल के रख सकते हैं। टाइम कम है तो आप 20 से 25 मिनट के लिए काफ़ी लगातार इसी तरह से बैटर को घोलते रहिए, ताकि बैटर बहुत अच्छे से फूल जाता है। और फिर उसके बाद ना पुआ बहुत सॉफ्ट और फुली फुली बनता है। तो अगर टाइम नहीं है तो आप इसे मिक्सी ग्राइंड में भी आप इसे पीस सकते हैं, उससे भी 2-3 बार मिक्सी ग्राइंड को भी रोक रोक कर चलाएंगे ना तो काफ़ी ज़्यादा वो जैसे जिस तरह के हाथों से डायरेक्शन से आप खोलते हैं ना, बिल्कुल मिक्सी में भी वही चीज़ होता है। मिक्सी में भी अगर डालेंगे ना तो बिल्कुल आपका बैटर बहुत अच्छे से फूल जाता है, और टाइम कम है तो बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाता है। तो मैं 20 मिनट के लिए हाथों से ही घोली हूँ। और इसे देखें, बिल्कुल तेल के ऊपर जब आ जाता है पुआ, तब उसके बाद तेल उसके ऊपर डाल डाल के थोड़ा सा उसे बिल्कुल फुलाएं, और ये दोनों साइड से मैं गोल्डन ब्राउन की हूँ। बहुत आसानी से पुआ माल पुआ बनाना बिल्कुल आसान है, बिल्कुल टिप्स थोड़ी सी फॉलो करना होता है। अच्छे से अगर टिप्स को फॉलो करेंगे तो बहुत अच्छी फूली फूली मालपुआ बनकर तैयार होगा। तो गोल्डन दोनों साइड से हो गया है, मालपुआ बनकर तैयार हो गया है। इसी तरह से मैं दूसरी मालपुआ को बना रही हूँ, डाल कर दिखा रही हूँ। बिल्कुल भी अभी टच नहीं करना है इसे, जब हल्का सा ऊपर आ जाएगा, तेल से ऊपर आ जाता है तो तेल इस पर डाल डाल के वो बिल्कुल देखिए गेंदे जैसा, गुब्बारे जैसा बिल्कुल मालपुआ फूल के तैयार हुआ है। सारी मालपुआ को मैं बनाकर तैयार कर ली हूँ, और इसके लिए मैं थोड़ा सा चाशनी बना रही हूँ। तो चाशनी के लिए 1/2 गिलास पानी रखी हूँ, कढ़ाई में डाली हूँ, और इसमें थोड़ा सा कलर के लिए केसर और 3 चम्मच लगभग चीनी था, चीनी क्योंकि मैं वहाँ पे भी डाली हूँ घोल में भी। तो आप मीठा कम कम ज़्यादा अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। नेचुरल कलर देने के लिए थोड़ा सा ली थी केसर के धागे, 15 से 20 केसर के धागे हो गए, बहुत अच्छी इसमें कलर आती है। और ये सारी ये चाशनी बिल्कुल तैयार हो गया है, तो सारे मालपुआ को इसमें डाल दूँगी। बिल्कुल गाढ़ी वाली चाशनी मैं नहीं तैयार की हूँ, क्योंकि अपने अकॉर्डिंग आप मीठा ज़्यादा कर सकते हैं। तो बस हल्का सा पतली चाशनी बनाई हूँ, इसमें सारे मालपुआ को डालकर उलटते पुलटते इसे इसकी चाशनी में भिगो देंगे, बड़ा डिप कर देंगे, उसके बाद इसे निकाल लूँगी मैं। हमारे यहाँ होली में मालपुआ बनती ही बनती है बिहार स्टाइल में, इस तरह के मैदा सूजी का मालपुआ आप ज़रूर बनाइएगा, बहुत टेस्टी और बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाता है। ये बिल्कुल होली स्पेशल एक मिठाई है जो सभी के घर में बनता है। और ये देखिए होली स्पेशल मालपुआ बनकर बिल्कुल तैयार हो गया है। तो मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय।